Okay, so now let's start a new topic, that is frictional force or friction. ठीक है, इस पे भी कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, वो नोट्स आप लिख लीजिए. कुछ क्वेश्चन हम करेंगे फ्रिक्शन फोर्स से रिलेटेड. ठीक है, राइट. व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, व्हेन टू बॉडीज आर केप्ट इन contact, when two bodies are kept in contact, electromagnetic forces act between the charged particle at the surface of the body. Electromagnetic forces act between the charged particles, between the charged particles, between the charged particles at the surface of the body, at the surface of the body. As a result, each body exerts, each body exerts a contact force on the other, a contact force on the other. Okay, the magnitude of the contact force, the magnitude of the contact force, the magnitude of the contact force on two bodies are equal, on two bodies, on two bodies are equal, on two bodies are equal, but their direction are opposite, but their direction are opposite. ये एक general definition है, but ये आप लिख लो, समझ लो. Are opposite, and hence they and hence the contact force, and hence the contact force obey Newton's third law, forces obey Newton's third law. ठीक है, तो व्हाट्स द केस ओवर हियर, कि अगर कोई दो बॉडी है और उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फोर्स वर्क करते हैं, क्योंकि जब दो रफ बॉडी हैं वो कांटेक्ट में है, इफ दे आर रबिंग ईच अदर तो दे हैव, और इफ देयर इज अ कंडक्टर देन कंडक्टर ऑलरेडी हैज फ्री चार्ज, तो उनके बीच में एक लाइट इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन फोर्स वर्क करता है, तो जो उनके सरफेस पे होता है, और वो एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे पे वो फोर्स लगाते हैं, सो दैट मीन्स इट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. तो इसको हम कैसे देख सकते हैं कि, ठीक है, इसे हम कैसे देख सकते हैं कि अगर कोई ये ब्लॉक है, ये कोई सरफेस है, ठीक, और ये सरफेस आपका भी इसमें, दिस इज नॉट स्मूथ सरफेस, ठीक,
और इस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस पे कौन कौन से फोर्स, क्योंकि ये अगर स्मूथ नहीं है तो मान लीजिए इसमें फ्रिक्शनल फोर्स इस तरीके से एक्ट कर रहा है और नॉर्मल फोर्स जो इसका है वो इस तरीके से एक्ट कर रहा है. बिकॉज ऑफ दिस टेबल इट इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट, तो उस पर एक नॉर्मल डायरेक्शन में जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है जिसे हम कहते हैं वो उस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है. तो उस तरीके से जब हम यहाँ पे फोर्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका कितना होगा, एक कॉन्स्टेंट फोर्स जो सिस्टम पे होगा वो आपका इस तरीके से लगेगा. ठीक है, सो इसी के अकॉर्डिंग स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन को डिफाइन करते हैं. कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब क्या है, कि जब आप जैसे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आप उस पर फोर्स लगा रहे हो, तो अगर मान लीजिए वो रफ सरफेस पे रखा है तो वो जो फोर्स है दैट इज जनरेटिंग वन रेजिस्टेंस ड्यू टू विच यू हैव टू, मान लीजिए अगर स्मूथ सरफेस आपको 10 न्यूटन का फोर्स लगाने पे वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा, बट अभी रफ सरफेस है तो आप उस पर 10 से 12 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो वो मूव करेगा. वो क्यों, क्योंकि मान लीजिए अगर हम इसको आगे की तरफ धकेल रहे तो उस पर पीछे की तरफ फ्रिक्शनल ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जो इसको रोकेगा आगे बढ़ने से, दैट इज नोन एज रेजिस्टेंस फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स. ठीक है, तो ये आपका वेरी करता है, मीन्स देयर आर सम वर्ड्स रिलेटेड टू फ्रिक्शन दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन एंड डायनामिक फ्रिक्शन, जो आप अपना 11th में आपने इसको पढ़ रखा है. कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन की उसके बाद आपने फोर्स जरा भी लगाया. ठीक, अगर मान लीजिए किसी सिस्टम का जो में दो फ्रिक्शन होते हैं, वन इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एंड अनदर इज द काइनेटिक फ्रिक्शन, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन. क्यों, क्योंकि बॉडी रेस्ट पर है, अब आप उसके ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स लगाओ जिसके बाद बॉडी मूव करने लगे, तो उस समय जो फ्रिक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है. फिर एक बार बॉडी जब मूवमेंट में आ गई तो आपका फोर्स ज्यादा हो गया, फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, उसको हम क्या कहते हैं, डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं. ठीक है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और डायनामिक फ्रिक्शन यहाँ पे दो एग्जाम्पल होते हैं. जैसे कि आप लिखो यहाँ पे कि स्टैटिक फ्रिक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, दो टाइप के फ्रिक्शन होते हैं यहाँ पे, एक होता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन. तो स्टैटिक फ्रिक्शन को ही हम क्या कहते हैं, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फ्रिक्शन, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनी फ्रिक्शन. इसका ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू दिस नॉर्मल, कौन सा नॉर्मल, ये सर बॉडी का वेट जितना ज्यादा होगा, जिस नॉर्मल इज जस्ट इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. ओके, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, तो जब आप फोर्स लगाओगे इनको मूव करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट एक इधर लग रहा, आपको उतना फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, तो यहां पे देखिए कि दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू दिस नॉर्मल और दिस स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द बॉडी. ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो इसको फर्दर, इसी प्रोपोर्शनल साइन को जब हम हटाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक कोफिशियंट म्यू जिसको हम एक कोफिशियंट जिसको हम म्यू कहते हैं, और ये अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है. तो आपने अगर ICSE बोर्ड में आपने देखा होगा, आई डोंट नो अबाउट CBSE एंड अदर बोर्ड्स, क्योंकि वो मैंने पढ़ाया नहीं है, मैंने ICSE बोर्ड्स में पढ़ाया है PGT फिजिक्स में, तो उनके लैब में ये होता है कि यू हैव टू फाइंड द स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ अ ग्लास ऑफ अ वुड. ठीक है, तो ये दो था उनके में, तो उसमें क्या होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट वेट रखते हैं और फिर उसको क्या कहते हैं, डिफरेंट वेट से उसको मिनिमम वेट, मतलब वहाँ पे एक पुली टाइप का सिस्टम होता है, ये टेबल है, देयर इज अ पुली और ये हैंगर है, इसमें एक वेट है, तो कुछ वेट हम ब्लॉक पे, पहले कोई वेट नहीं होता है, हम देखते हैं फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड वुड, मतलब जो आप मूव करा रहे हो वो भी वुड का है, जो सरफेस है वो भी वुड की है. फिर आप क्या करते हो, आप ग्लास वाला ये सरफेस ले लेते हो और ये वुड ले लेते हो, तो उस पर आप यहाँ पे बार बार वेट करोगे, पुट करोगे और फिर आप यू विल टैप हियर,
ठीक, तो जिस पॉइंट पे, जिस वेट पे हल्का सा टैप करने पे वो मूव कर जाए, वो हम एक डाटा बनाते हैं कि इतना वेट रखने के बाद हमने टैप किया, ये मूव किया, फिर आप वेट चेंज करो, फिर देखो. तो यू हैव टू चेंज वेट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट जो यहाँ रख रहे हो, यहाँ जो ग्रेविटी है के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप जो वेट रख रहे हो. तो इस तरीके से हम चेंज करके स्टैटिक फ्रिक्शन को निकालते हैं लैब में, हो सके आपने निकाला भी हो. तो दिस इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन, मीन्स आई वॉन्ट टू से कि हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली. ओके, सो दिस एफ एस कैन बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू म्यू एन. इफ इट इज इक्वल टू म्यू एन देन दैट इज द मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मैक्सिमम लिमिटेड इज दिस वन, मैक्सिमम फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन. ओके, ये एक, क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है इसलिए n इज इक्वल टू w. बट हाँ, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू दैट आई से दैट n इज ऑलवेज इक्वल टू w, क्योंकि मान लीजिए कोई अगर इस तरीके का सरफेस है और यहाँ पे हमने रखा है ऑब्जेक्ट को रखा है, तो नॉर्मल तो सरफेस के ऊपर इधर लगेगा, लेकिन जो वेट है वो टूवर्ड्स डाउनवर्ड लगेगा, वो ऐसे होगा, उस केस में ये इसके इक्वल होगा. तो आपको ये नहीं सोचना है कि n इज ऑलवेज इक्वल टू w, f इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू n बट नॉट w. ओके, नाउ इसी के अकॉर्डिंग हम इसके ये इसको हम यूएस से रिप्रेजेंट करते हैं. जो काइनेटिक फ्रिक्शन है उसको भी हम यही बोलते हैं उसके केस में, बट हियर उसका जो कोफिशियंट है वो वैल्यू आपकी चेंज हो जाती है, तो हम उसको लिखते हैं एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन. ठीक है, कीप रिमेंबर कि आपका म्यू के इज ऑलवेज लेस देन म्यू एस, ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्योंकि ये सारे बहुत बेसिक हैं, आपने कर रखा है, इस नाते मैं बहुत वो नहीं कर रही हूँ इसमें. कुछ क्वेश्चंस करते हैं फिर आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा. ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली इस पे. एग्जाम के लास्ट टाइम पे अभी आप लोग ये मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, तो मैकेनिक्स के लिए बहुत सारी बुक में कूद कूद के बहुत ब्रॉड है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्योंकि आप सोच लो कि आप जब से पढ़ना शुरू करते हो तब से मैकेनिक्स पढ़ते हो, सिक्स क्लास से, चाहे उसका लेवल जो भी हो. ठीक है, ट्वेल्थ बीएससी, तो एक बहुत ट्वेल्थ में भी इतनी सारी बुक्स हैं मार्केट में, फिर ग्रेजुएशन पे है. तो अगर आप सिर्फ मैकेनिक्स के लिए इधर उधर जाओगे, ठीक, तो उससे दिक्कत होगी. ये जो आपकी काइनेमेटिक्स और मैकेनिक्स है जनरल जो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, उससे एक या दो क्वेश्चन आएगा मुश्किल से, और उस एक नंबर या दो नंबर के लिए पूरा मैकेनिक्स पे अपना टाइम वेस्ट करना यूजलेस है. मैं आपको बताऊंगी कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. एक जो मैंने आपको एसटीआर पढ़ाया है उससे आपका दो क्वेश्चन है, ठीक, दो नहीं तो एक क्वेश्चन है. तो अभी एग्जाम टाइम में कुछ ऐसा पढ़ना चाहिए कि कम से कम टाइम में हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ को पकड़ सकें. तो अब ये क्या है, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ोगे तब जाके आपको एक दो नंबर आएगा. एसटीआर मैंने आपको बताया इसलिए ताकि आप पहले पढ़ लो, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन कम भी है और क्वेश्चन भी आने हैं. ठीक है, अब ऐसे ही मैं आपको जो जो चीज़ आपको बताते चलूँगी, जिस पे मैं ज़्यादा हाईलाइट करूँगी, ज़्यादा टाइम दूंगी, ठीक है, तो वो चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे. ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में आप फंसी नहीं कि और क्वेश्चन लगाएं और क्वेश्चन लगाएं, बहुत लगाने, 10 साल के पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठाओ, उसमें मैकेनिक्स से जितने क्वेश्चन हैं उनको लगाओ. ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. अच्छा, एक बात और, ये आपसे पूछा गया होगा, हो सके आपके एकेडमिक्स में, कि क्या फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है? नो, हमेशा ऐसा नहीं है. तो हमेशा सिस्टम को देख करके फिर आप डिफाइन करना कि मोशन की डायरेक्शन आपकी क्या होगी. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कोई सर्कुलर पाथ पे ऐसे मूव कर रहा है तो ये टायर तो आपका पीछे जा रहा, ठीक, लेकिन फ्रिक्शन की डायरेक्शन आपकी क्या हो गई, आगे हो गई. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन की है जो पूछेगा नहीं, बट फिर भी पता होना चाहिए. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं, एक क्वेश्चन देखिए. ये एक ऑब्जेक्ट है,
वन ब्लॉक इज देयर एंड देयर इज वन मोर ब्लॉक, ठीक है. तो ये जो सरफेस है दिस इज रफ, ओके. एंड द सेकेंड सरफेस इज दिस इज, अभी फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दिस इज ए दिस इज बी, और ये जो सरफेस है वो क्या है आपकी स्मूथ है, ठीक है. अब क्या होगा कि जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या होगा, अभी इससे पिछले वाला आपने जो केस पढ़ा था वहां पे ये स्मूथ था ये भी स्मूथ था, तो उसमें क्या था कि आपने इसको स्मूथली इधर कर लिया और ये अपनी जगह खड़ा रहा, ये गिर गया. लेकिन अब क्या है, अब ये मान लीजिए अगर ये स्मूथ है तो ये आगे गया तो इससे पीछे की ओर फोर्स लगेगा, तो ये इधर भागना चाहेगा, जब भी इधर भागना चाहेगा तो इस पे फोर्स किधर लगेगी, पीछे की तरफ, ठीक है. जो उसको जो उसका फ्रिक्शनल फोर्स है वो किधर होगा, पीछे की तरफ होगा. मतलब इसमें जो फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट हो रहा है वो किधर की तरफ हो रहा है, इस तरफ की तरफ, इस इधर की तरफ जनरेट हो रहा है. लेकिन अभी क्या हो गया, अभी ये जो आपकी सरफेस है ये सरफेस आपकी कैसी हो गई, ये सरफेस आपकी रफ हो गई. तो अब क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट के साथ मूव करेगा भले आप इस पे फोर्स लगाओ, ठीक. मतलब वही एग्जांपल आपका हो गया कि कैरम वाला एक मैंने आपको बताया था, लेकिन अगर आप उस पे कुछ भी नहीं लगा रहे, बहुत दिन बाद कैरम लाए और आपने गीट रखी एक के ऊपर एक है और नीचे वाले को डिस्प्लेस करना चाहो तो डेफिनेटली ऊपर वाला भी डिस्प्लेस होगा. वो कुछ ऐसे जाएगा कि जैसे दो ये हैं, आप नीचे वाले को डिस्प्लेस करना चाहे स्मूथली में तो ये ऐसे नीचे से ऐसे सर से निकल जाता, लेकिन अभी क्या होगा कि ये साथ में जा करके या तो ये आगे नीचे गिर जाएगा या तो ये आगे बढ़ के ये नीचे गिर जाएगा, ठीक है. कुछ ऐसा सिचुएशन होगा, बट ये दोनों साथ के साथ मूव करेंगे, ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा, अब क्योंकि ये रफ सरफेस है ये दोनों साथ मूव करेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा ए इज इक्वल टू एफ अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ठीक. तो सेम क्वेश्चन को अगर हमें इस पे करना होता कि लेंथ कैलकुलेट करनी है तो ये पूरा सिस्टम ही साथ मूव करेगा, ठीक. मतलब यहां पर है वो सिस्टम, मान लीजिए आपका चल के एल डिस्टेंस पे कवर करके ये पॉइंट इसका, इसकी लेंथ एल है तो ये एल डिस्टेंस फिर से कवर करके यहाँ पे आया, ठीक. तो कितना एक्सेलरेशन जनरेट हुआ, कितने टाइम में ये पोजिशन यहां से यहां तक आ जाएगा अपनी लेंथ के इक्वल में, तो सारी चीजें सेम रहेंगी, बस अंतर क्या होगा आपका ये एक्सेलरेशन, ठीक है. एक और क्वेश्चन देखिए यहां पे, दिस वाज योर एग्जांपल वन ऑफ फ्रिक्शन. सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड ऑन लोअर ब्लॉक. देखिए क्वेश्चन भी आ गया ऐसा ही एक, व्हाट मैक्सिमम फोर्स, what maximum force can be applied on lower block can be applied on lower block so that the two blocks move together so that blocks move together, no relative motion between them, no relative, मेरा हाथ दर्द होने लगा, motion between them, उनके बीच में कोई भी relative motion नहीं हो रहा. डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है, M1 This is M2, ठीक है. ये दे रखा है कि ये स्मूथ है और ये आपका रफ है. देखिए ये वही बात हो गई कि कौन सा मिनिमम फोर्स लगाए कि ये दोनों साथ मूव करें. मैंने क्या बोला था अभी आपको कि कैरम की गोट एक दूसरे के ऊपर हो तो आप जो फोर्स लगाओगे तो ऐसा हो सकता है कि अगर रफ है तो ये दोनों साथ में मूव करें,
फिर फोर्स पे डिपेंड करेगा कि ये वाला आगे होगा या ये होगा किस पे. ऑफ कोर्स इस पे तो रेजिस्टेंस फोर्स लग रहा है, रफ है, तो ये बाद में गिरेगा, ये जल्दी से आगे हो जाएगा और ये थोड़ा दूर तो साथ चलेगा, थोड़ा दूर तो साथ चलेगा, फिर नीचे वाला आगे भाग जाएगा और ये वाला वहीं गिर जाएगा. ठीक है, तो ये फोर्स पे डिपेंड कर रहा. अब क्वेश्चन क्या पूछ रहे कि ये कौन सा फोर्स लगा है कि भाई ये पूरा साथ के साथ पूरा चले. ठीक, तो वो हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे. अब आपको पता है कि ये साथ के साथ में चले तो मतलब इन पे जो नेट एक्सेलरेशन लग रहा होगा वो पूरे सिस्टम पे डिपेंड करेगा. ठीक, तो सॉल्यूशन लिखिए इसका कि हम इसको कैसे कर सकते हैं यहाँ पे. जो मैक्सिमम फोर्स है F max is equal to, ये आपका कितना है, क्योंकि ये आपका रफ सरफेस है, आप इसको इधर फोर्स लगा रहे हो, इस पे फ्रिक्शन की जो डायरेक्शन होगी अपर वाले केस में ये यहाँ पे होगी. ठीक है, तो इस सिस्टम पे आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो आपका उधर की तरफ होगा. तो आप देख सकते हो, लिखो द एक्सेलरेशन, रुको पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिए इससे रिलेटेड, ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं तो पॉइंट्स इनके लिखने जरूरी हैं. द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक हैज अ लिमिट, द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक, अपर ब्लॉक हैज अ लिमिट. ठीक, बिकॉज इट इज मूविंग ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन, बिकॉज इट इज मूविंग ड्यू टू स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो देयरफॉर मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑन द अपर ब्लॉक is equal to, this is Fs upon block of M1. This Fs is written as mu s into n और ये M1. ठीक, इस केस में आपको क्लियर है n is equal to M1g, तो ये आपका क्या हो गया, mu s into g. ठीक, तो इसकी वजह से कितना acceleration इसमें हो रहा है, mu s into g. तो इसका क्या होगा, आपका इसमें कितना एक्सेलरेशन होगा, m2 into a. ठीक, तो आप देख सकते हो यहां पे the two blocks will move together without any relative motion of their acceleration is less or equal to mu s g. ये क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पे एक ही एक्सेलरेशन वर्क करेगा. अगर हमें दोनों को साथ में मूव कराना है तो जो एक्सेलरेशन इस पे लग रहा है वही एक्सेलरेशन इस पे लगेगा. मैंने अभी आपको बताया था ये बात, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए, बहुत सारी चीजें इसमें छोटी छोटी. व्हाट मैक्सिमम फोर्स कैन बी अप्लाइड इन द लोअर ब्लॉक सो दैट द टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर. ठीक है, तो दो ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं. मैंने भी क्या बोलता, फिर से वही कैरम पे आइए कि कैरम की गीट है, ये स्मूथ है तो ये मूव करेगा. अब ये फ्रिक्शन की वजह से उस पे है, तो जब आप दोनों के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा है अगर इनकी सरफेस के बीच में, तो ये साथ साथ मूव कर सकते हैं. ठीक, बाद में क्या होगा कि क्योंकि ये तो फ्रिक्शन की वजह से इस पे रुका हुआ है, बट इस पे आप फोर्स लगाए हो. ठीक, तो अगर इस पे फोर्स आपने जो लगाया वो इसकी स्टैटिक फ्रिक्शन से के फोर्स से ज्यादा हो गया, तो ये ऐसे गिर जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा, ये अपनी जगह से गिर जाएगा. ठीक, पीछे नहीं मूव करेगा क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन इसको पीछे की तरफ रोक रही है, आगे जाने से रोक रही, पीछे की तरफ लग रही है, तो ये वहीं पे गिर जाएगा और ये आगे बढ़ जाएगा. ठीक है, तो अभी क्या कंडीशन है कि इन दोनों के बीच में एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक हैज अ लिमिट. ये कितना, इस पे कौन सा फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर पाएगा, वो है फ्रिक्शनल फोर्स. तो देखते हैं कि इस पे कितना एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है. अब क्योंकि दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहे हैं इसका मतलब एक्सेलरेशन तो इनका सेम होगा, तो हम इसको देखते हैं कि इस पे कितना एक्सेलरेशन आया. इसका एक्सेलरेशन होगा, इस पे कौन सा फोर्स लगा जिसकी वजह से ये मूव कर रहा है. ठीक,
वो हो गया आपका FS/M1, या नहीं कर रहा है उससे थोड़ा भी ज्यादा आपने फोर्स लगाया तो वो गिर जाएगा, वो क्या है FS/M1। FS की वैल्यू μ S into μ S g, मतलब ये फोर्स कितना है μ S g, ये एक्सेलरेशन कितना सॉरी आया μ S g, वही इसका भी एक्सेलरेशन है। सो व्हाट इज द टोटल, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, व्हाट कैन बी योर Fmax? Fmax इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ दिस m1 प्लस m2 और इनका कॉमन एक्सेलरेशन। कीप रिमेंबर कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट साथ में मूव कर रहे हैं तो उनका एक्सेलरेशन कॉमन होगा। वो कैसे अपने निकालोगे, इस वाले से, ठीक। अब ये आपका कितना है यहाँ पे m1 प्लस m2 और a की वैल्यू कितनी हो गई μ S into g। ऐसे हल्के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर, कुछ इसी टाइप से है। यहां पे ओके, अब की बार क्या है कि ब्लॉक M1 पे आपने फोर्स लगाया, ये आपका रफ सरफेस है और ये आपका ब्लॉक M2 है, ठीक है, और ये आपका स्मूथ सरफेस है। दिस इज योर रफ एंड दिस इज योर स्मूथ, ठीक है, ये M1 और ये M2, ठीक है। व्हाट इज मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो दैट टू ब्लॉक्स मूव टुगेदर, क्वेश्चन लिखिए। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन सो दैट टू ब्लॉक मूव्स टुगेदर। अब इस टाइप की सिचुएशन में आप क्या करोगे, अभी फोर्स हम इस पे लगा रहे हैं, ठीक, आगे की तरफ लग रहा, तो इस पे जो फोर्स लग रहा ये आगे जाना चाह रहा, तो इस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और जो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो M2 पे किधर लगेगा, आगे की तरफ, ठीक। मतलब इसका अगर मैं FBD बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से होगी कि M1 पे फोर्स लग रहा तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पीछे होगा, ठीक, और ये M2 है, इस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इस पे, इससे पहले देखिए हम इस पे लगा रहे थे तो सरफेस की वजह से कोई फ्रिक्शन जनरेट ही नहीं हो रहा था, लेकिन अब दोनों पे तो एक्शन रिएक्शन फोर्स लगेगा ना, फ्रिक्शनल फोर्स विल ऑल्सो फॉलो एक्शन रिएक्शन लॉ हियर। तो यहाँ पे क्या होगा कि फोर्स आप ऐसे लगा रहे हैं, ये आगे नहीं बढ़ना चाहिएगा क्योंकि उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा और इसके रिजल्ट में ऑपोजिट फ्रिक्शन उसके ऊपर लगेगा, लेकिन ये पूरा जो सिस्टम है वो कॉमन एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। तो हम देखते हैं कि ये इसका इस पर कितना फोर्स है, क्योंकि A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू आपका होगा टोटल फोर्स अपॉन मास m1 एंड m2। तो उस केस में जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो FS1 है, बट उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट है, ठीक। तो आप यहाँ पे इसको देख सकते हो कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ m2 मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा आपका, वो होगा FS max अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो अगर मैं m2 की बात करूं तो इतना हो गया, तो FS max आपका कितना है μ N अपॉन m2, ठीक है। तो N कितना होगा आपका म्यू, क्योंकि हम फ्रिक्शनल फोर्स सिर्फ इसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर हमारा एक आए तो दूसरा भी आ जाएगा,
ये दोनों की वैल्यू सेम ही होगी आपकी, तो आपका जो म्यू एन है वो कितना हो जाएगा, एम वन जी अपॉन एम टू। ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपका कितना हो गया, मैं एम टू की बात कर रही, तो जो एम टू का एक्सेलरेशन होगा वही आपका एम वन का एक्सेलरेशन यहाँ पे होगा। ठीक है, सम क्वेश्चंस आर वेरी इजी रिलेटेड टू पुली, वो सब क्वेश्चंस आई डोंट थिंक ये आते हैं, ये आईआईटी एग्जाम के क्वेश्चंस में ज्यादा आते हैं, तो मैं इस टाइप के क्वेश्चंस को नहीं करा रही हूँ, कहीं आपको कुछ लगेगा तो। ओके, लेट्स डिस्कस अ न्यू टॉपिक दैट इज स्टेबिलिटी एनालिसिस। और स्टेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस या इसका जो एप्लीकेशन है वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो देखते हैं कि स्टेबिलिटी एनालिसिस में हम कैसे करते हैं, और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन है जो मुझे याद है कि पोटेंशियल इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स रेज टू द पावर 4, इसकी कंडीशन को हमें डिस्कस करना था, शायद उसमें हमें ओमेगा की वैल्यू निकालनी थी, तो हम कैसे कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। स्टेबिलिटी एनालिसिस मतलब आपको पता है जब हम मैक्सिमम मिनिमा की बात करते हैं, कि जैसे कोई भी कर्व है ये इस तरीके से है। ठीक है, अब इसके एक्सट्रीमम पॉइंट क्या होते हैं, कि एक्सट्रीमम पॉइंट मीन्स फॉर मैक्सिमा एंड फॉर मिनिमम। मान लीजिए यहाँ पे कोई ये ग्राफ है पोटेंशियल वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, कि हर एक पॉइंट पे ये पोटेंशियल चेंज हो रहा है। एक्स के रिस्पेक्ट में ये पोटेंशियल कैसे चेंज हो रहा है, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्लोप ड्रॉ करेंगे। तो आप जब स्लोप ड्रॉ करते हो, हर एक पॉइंट पे एक टेंजेंट हमने लिया, हर पॉइंट पे टेंजेंट लिया, सबसे ऊपर गए, तो हमारा क्या हो गया, जब हम मैक्सिमम वैल्यू पर हैं, जिस एक्स के जिस वैल्यू के लिए हमें पोटेंशियल मैक्सिमम मिल रहा है, आप देख रहे हो वहां पे हमारा स्लोप क्या हो गया, एकदम जीरो हो गया। इसी तरीके से हमारा स्लोप फिर यह नेगेटिव आने लगा, और इसके बाद फिर हम जब यहाँ सबसे मिनिमम पॉइंट पे पहुंचे, जब जिस पॉइंट के लिए हमारा पोटेंशियल मिनिमम है, वहां पे भी हमें क्या मिला, कि ये हमारा स्लोप नेगेटिव जीरो हो गया। इस तरीके से आप कह सकते हो कि एक ग्राफ में अगर हम उसका स्लोप निकालें, तो जिस पॉइंट पे वो स्लोप आपका जीरो होगा, दैट इज आइदर योर मैक्सिमा और योर मिनिमा। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं फर्दर, कि हमने इस पे स्लोप निकाल लिया, अब हमें इससे क्या मिलेगा, कि ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा, जहां पे आपका मैक्सिमा है और जहां पे आपका मिनिमा। या आप ये कहिए, जब आप फर्स्ट डेरिवेटिव आप इसका लेते, तो ये बहुत सारे पॉइंट आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, जहां पे आपको क्या मिलेगा, स्लोप जीरो मिलेगा। बट इन स्लोप जीरो में आप ये कैसे फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पे वैल्यू आपकी मैक्सिमम है और कहाँ पे मिनिमम है, तो ये कैसे निकालते, देखिए ये मैक्सिमम है। ठीक, तो जब आप स्लोप के सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं, इसका मतलब ये कि जो आप स्लोप बना रहे हो, अब आप उस पर भी स्लोप प्लॉट करते हो, मतलब हर एक स्लोप पे आप स्लोप प्लॉट कर रहे हो, यहाँ पे आप स्लोप प्लॉट कर रहे हो, तो यहाँ पे आप क्या देखते हो, कि ये जो है आपका इधर इंक्रीज कर रहा है, जबकि इधर ये आपका क्या है, इसके बाद अगर आप स्लोप लेते हो तो वो स्लोप आपका फर्दर डिक्रीज कर रहा है, जबकि यहाँ पे क्या है, आपका स्लोप इंक्रीज कर रहा है। तो ये रीजन है कि जब हमारा पोटेंशियल मिनिमा होता है जिस पॉइंट पे, मीन्स अगर डेल वी बाई डेल एक्स या स्लोप हमें नेगेटिव मिल रहा है, तो फर्दर जब हम उसका डिफ्रेंशिएशन करें, उसका स्लोप निकालें, और वो इंक्रीज होता हो, तो हम उसको उसका मिनिमम पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, इसको आप कैसे चेक कर सकते हो, ये कुछ स्पेशल कंडीशन है। आई होप कि सबको मैक्सिमम मिनिमा की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन तो होगी, उसके अकॉर्डिंग मैं डायरेक्ट आपको स्पेशल कंडीशन यहाँ पे लिखवा रही, कि इफ डी स्क्वायर वी बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, अब उस पर भी अगर ये आपका ये भी जीरो आ जाए, तो फर्दर आप फिर से इसको चेक करोगे उसके आगे के केस की मैं बात कर रही, कि देन चेक हायर डेरिवेटिव हायर डेरिवेटिव इफ डी स्क्वेयर वी सॉरी डी एन वी अपॉन डी एक्स एन इज ग्रेटर देन जीरो, देन दैट इज योर स्टेबल पॉइंट। ओके,
But if dn v by dx n is less than 0, then that is your unstable point. ठीक है? इसमें यहाँ पे क्या condition है कि this n should be your even, means 2, 4, 6. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि stability की condition general क्या है? D to v by dx square is greater than 0. ठीक? तो वो stability है. मतलब stability कहाँ पे आपको मिल रही है? यहाँ पे. जब पार्टिकल अस्टेबल है उस केस में क्या है यहाँ पे कि इसका जो स्लोप है dv by dx that is 0 but d square v by del x square जब आप इसके स्लोप का स्लोप लोगे तो आप देखोगे कि फर्दर अब यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है आपका इंक्रीज कर रहा है इसीलिए यहाँ पे ले रखा है कि अगर d square v by dx square आपका greater than 0 होए that is the condition of the stability so what's the condition of stability here d square v by dx square, d2v by dx square should be greater than 0. ठीक? ये आप यहाँ पे देख भी सकते हो. जैसे कि for example, मान लीजिए कि एक particle simple harmonic motion करता है. थोड़ा सा इसको हम face करके साथ समझते हैं. एक particle है, वो simple harmonic motion कर रहा है. तो अगर हम उसका face curve बनाएंगे, पहले potential versus x अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा ठीक इफ अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन मैं बता रही हूं कि पार्टिकल क्या है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर जिसका पोटेंशियल क्या होता है हाफ के एक्स का स्क्वायर तो हाफ के एक्स का स्क्वायर तो आप ये कह सकते हो कि ये एक पोटेंशियल का फार्मूला ग्राफ हो गया यहां पे अब मुझे ये चेक करना है कि मैं अगर इसका फेस बनाऊं यहाँ पे तो सबसे स्टेबल पॉइंट क्या है सबसे स्टेबल पॉइंट ये है ठीक स्टेबल पॉइंट क्या है इसका ये है जहां पे पार्टिकल अगर आप थोड़ा भी डिस्प्लेस करो तो ये दोबारा इसी सिचुएशन में आ जाए स्टेबल पॉइंट का एक और कंडीशन है कि पार्टिकल ऑलवेज वॉन्ट टू बी इन इट्स स्टेबल पॉइंट ठीक है Particle always want to be in its stable point. जैसे कि मान लीजिए अगर कोई ग्राफ है इस तरीके से, ठीक? इनमें से कौन सा उस कर्व को दिखा रहा है यहाँ पे कि phase space कर्व में, ठीक है? ये दो ग्राफ है अब मैं पूछूं इनमें से कौन सा आपका फेज स्पेस कर्व को दिखा रहा है मींस पीएक्स और एक्स के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कौन सा आपका स्टेबल को है तो स्टेबल की कंडीशन क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा अपने स्टेबल पॉइंट की तरफ अंदर की तरफ हमेशा डायरेक्शन देता है मींस हमेशा अपने स्टेबल पॉइंट पे होना चाहता है तो यहाँ पे क्या है इसका जो डायरेक्शन है वो अपने स्टेबल पॉइंट से अपने पॉइंट से दूर जा रहा है अगर पॉइंट से दूर जा रहा है सॉरी इसका अपने पॉइंट से दूर जा रहा है इसका मतलब कि ये स्टेबल नहीं है जबकि इस ग्राफ में हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है वो अपने किसी सेंटर पॉइंट की तरफ आना चाह रहा है ठीक तो ये हमारा क्या है स्टेबल का केस है जैसे कि अभी हमने हार्मोनिक ऑसिलेटर लिया था हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो पार्टिकल ऑसिलेट करते अगर हम उनका फेज स्पेस कर्व बनाए यहाँ पे तो वो हमें क्या मिलेगा यहाँ से यहाँ के बीच में कोई पार्टिकल इसके बीच में अगर कर रहा है तो यहाँ से यहाँ के बीच में आपको मिलेगा कि ये एक एलिप्टिकल पाथ पे मूव कर रहा ठीक लेकिन जो इसके मिनिमम जो इसके मैक्सिमम स्टेबल पॉइंट है अगर हम उस पॉइंट पे निकालें तो इसका जो पाथ होगा इस आर नॉट पे वो क्या होगा आपका सर्कल होगा मतलब कि अगर कोई पोटेंशियल है जैसे कि मान लीजिए ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो इसमें पार्टिकल सिर्फ इतने ही एरिया में कन्फाइन होकर के ऑसिलेशन कर रहा तो उसका अगर आप फेज स्पेस कर्व बनाओगे तो वो आपको एक एलिप्स मिलेगा उस एक एलिप्स के अंदर कई सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि क्योंकि पार्टिकल यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ के अकॉर्डिंग आप बनाओगे यहाँ आएगा यहाँ के अकॉर्डिंग बनाओगे कि यहाँ भी पार्टिकल एलिप्टिकल मोशन कर रहा है बट जो उसका बीच वाला पॉइंट है सेंटर सबसे मिनिमा वहां पर जो उसका पाथ होगा वो कैसा होगा सर्कल ठीक है तो सब
सबसे स्टेबल जो पॉइंट होता है हमेशा जो पार्टिकल की कंडीशन होती है वो क्या होती है कि वो हमेशा सबसे स्टेबल पॉइंट पे रहना चाहता है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन हमेशा अंदर की तरफ होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, सिंपल से क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर स्टेबिलिटी, ठीक है। तो अगर आपका डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर इज आल्सो ग्रेटर देन 0 देन दैट इज स्टेबल, ओके। तो कुछ क्वेश्चंस उस पे करते हैं फिर हम इस चीज को और अच्छे से समझते हैं। ग्राफ प्लॉट करना आपको आना चाहिए, कुछ सिंपल से ग्राफ हैं जो मैं आपको यहां पे दिखा दूंगी कि हम उनको कैसे करते हैं। चलिए ऐसा क्वेश्चन गिवन कर रखा है, Vx is equal to alpha x raised to the power 4 when alpha is greater than 0. Example 1. Vx is equal to alpha x raised to the power 4 where alpha is greater than 0. Okay. Find equilibrium point and check it is stable or unstable. Find equilibrium point. ठीक है, इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें निकालना है एंड चेक इट इज स्टेबल एंड और अनस्टेबल, सॉरी एंड चेक इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, ठीक है, ये पार्ट है हमारा, ठीक है। अब आपको बताएं कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका पहले फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना होगा। तो पहली बार डेरिवेटिव हम लेते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व करने का, डेल वी बाय डेल एक्स या डी वी बाय डेल एक्स कुछ भी आप यहाँ पे लिखो, ठीक है। ये होगा आपका 4 अल्फा एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 0। वेट, उसके पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि हम इसका ग्राफ कैसा प्लॉट करेंगे। आपको पता है कि यहाँ पे एक्स की मैं कोई वैल्यू, मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है कि ये मेरा पोटेंशियल है, ठीक, और ये मेरा एक्स है। अब मैं एक्स की वैल्यू अगर पॉजिटिव रखूं तो भी मुझे वी क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा, और अगर मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव रखूं तो भी मुझे वी क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो जो भी सिचुएशन हो उस सब सिचुएशन में हमें क्या मिलेगा, इसकी वैल्यू, हमें इसका जो ग्राफ मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। अब आप ये देख रहे हैं कि v is equal to alpha x raised to the power 4, ठीक, क्योंकि x पे 0 होगा तो ये v 0 होगा, ठीक, और उसके बाद x square, what is the difference between these two graph, alpha x raised to the power 4 और alpha x raised to the power 2, दोनों के ग्राफ में क्या अंतर है, ये आपका vx है, ये आपका x है, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ है वो कैसा है, ये किसका ग्राफ आपका हो सकता है, दिस इज योर वी एक्स इज इक्वल टू एल्फा एक्स रेस टू द पावर 2। यहाँ पे एक्स रेस टू द पावर 4 है, इसका मतलब कि एक्स के ज्यादा पॉइंट्स के लिए जो वी की वेलोसिटी होगी वो क्या, सॉरी, जो वी की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 0 होगा। तो ये डिफरेंस है इनके ग्राफ के बीच में। अब हमें क्या निकालना है, इसका हमें इक्विलिब्रियम पॉइंट निकालना है कि इसमें कौन सा इसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है और वो पॉइंट स्टेबल है या नहीं है, ठीक है। तो आपको बताइए ये यहाँ पे आपको क्या मिलेगा कि डी वी बाई डी एक्स, तो ऑब्वियसली यहाँ से आपको क्लियर था कि एक्स इज इक्वल टू आपको 0 0 0 एक्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ठीक है। फिर से हम इसको डिफरेंशिएट अगर करेंगे डेल स्क्वायर वी बाय डेल एक्स स्क्वायर देन इट विल गिव यू 12 अल्फा एक्स का स्क्वायर, जहां से हमें कुछ नहीं मिल रहा तो हमें क्या करना है, फिर से डिफरेंशिएट करना है बट फॉर द इवन पावर। तो हम थर्ड भी करेंगे और फिर फोर्थ भी करेंगे, देखेंगे क्या आएगा। याद रखिए कि फाइनल रिजल्ट हमेशा हमें इवन से ही निकालनी होगी, ठीक है। तो यहां पे देखिए डी स्क्वायर वी बाय डी एक्स स्क्वायर is equal to 12 to the 24 alpha x, not d2, d d
dq upon dx3 और फिर से d4v upon dx raised to the power 4, तो ये आपका कितना हो जाएगा 24 alpha which is greater than 0. अभी आपने देखा कि यहाँ पे क्या है, fourth derivative लेने पे ये value 0 है, इसका मतलब x is equal to 0 0 0 की ये condition है, ये आपकी equilibrium condition है and this is stable. ठीक है, ऐसे ही एक और ग्राफ है हमारे पास. अगर इस ग्राफ में क्या चेंज होगा, अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं इसको, v is equal to alpha x का क्यूब, तो मैं इसको यहां पे ड्रॉप नहीं कर रही, मैं यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ग्राफ किस तरीके से चेंज होगा ये देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो vx is equal to alpha x का क्यूब where alpha is greater than 0. क्वेश्चन आपका सेम है, फाइंड इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड चेक इट इज स्टेबल और अनस्टेबल, सेम है. अब इसमें हम कैसे करेंगे, हमारा ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे आपको पता है कि x का क्यूब मतलब कि x की वैल्यू थोड़ी भी चेंज होगी उसके हिसाब से v की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज होगी. ठीक, और दूसरी बात ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, जब x 0 होगा तो v 0 होगा, इवन x के हायर वैल्यूज के लिए भी थोड़ा थोड़ा के लिए ये v की वैल्यू 0 होने वाली है. जब x की वैल्यू आप इंक्रीज करोगे पॉजिटिव डायरेक्शन में तो v की वैल्यू, अगर x में आप इतना इंक्रीज कर रहे हो तो पोटेंशियल की वैल्यू इतनी इंक्रीज करेगी. ओके, तो मतलब ये ग्राफ आपका कुछ ऐसे जाएगा. ठीक है, बट अगर x आपका, सॉरी मैं यहाँ पे बना दूं कि ये y एक्सिस हमारी v x है और ये हमारे x को रिप्रेजेंट कर रहा, अब मैं x की वैल्यू अगर नेगेटिव लूंगी तो वो पोटेंशियल आपका क्या होगा, इंक्रीज तो वैसे ही करेगा कि थोड़ा सा x बढ़ाया तो ज्यादा, शुरू में तो जीरो आएगा बट थोड़ा सा x बढ़ा ज्यादा भी बढ़ा, फिर थोड़ा x बढ़ा फिर ज्यादा भी बढ़ा, बट किस डायरेक्शन में होगा ये आपका, नेगेटिव डायरेक्शन में. तो आप देख सकते हो कि आपका कर्व कुछ इस तरीके से यहाँ पे आएगा. सो देयर इज अ डिफरेंस. अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ तो आपको दिख रहा था कि ये आपका स्टेबल पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे क्या ये आपका स्टेबल पॉइंट होगा, तो ये डिपेंड करेगा क्योंकि ये यहाँ पर है, इसको कोई जगह नहीं मिल रही है, ये स्लिप करके ऐसे गिर जाएगा. ठीक, ऊपर से ये क्या हुआ, स्लिप करके नीचे आ गया, तो एक तरीके से आप देख रहे हो कि ये स्टेबल नहीं है, पर दूसरे तरीके से आप सोचो कि ये थोड़ा सा भी अगर ऐसे हो, ठीक, तो वो यहाँ पे इसके बीच में थोड़े दूर के बीच में ये स्टेबल हो सकता है. ये जो आपका रेंज है, अगर ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आए, ऐसे भी तो हो सकता है ये थोड़ा सा स्टीपर में, तो ये जो आपका पॉइंट है नियर बाय वाला, ठीक, ये पॉइंट भी तो आपका स्टेबल पॉइंट हो सकता है, इट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन. तो ये एक ऐसा ग्राफ है जिसके बारे में हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वेदर विच ऑफ द पॉइंट विल बी स्टेबल और अनस्टेबल. तो इसको हम देखते हैं क्वेश्चन में कि हम सॉल्व कैसे करते हैं. आपको पता है dv by dx is equal to आपका हो जाएगा 3 alpha x का square, फिर this is equal to 0, तो x की वैल्यू आपकी आ गई 0 and 0. ठीक, फिर ये हो गया आपका d square v, d2v by dx square is equal to 3 to just 6, here it comes 6 alpha x, और d cube v by dx3 यहाँ पे हो गया आपका 6 alpha. ओके, और d4v by dx raised to the power 4 is equal to 0. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जब हम इवन रिजल्ट को ही हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ये आपका d4 पे आया है, तो यहाँ पे ये वैल्यू 0 है कि फोर्थ कोऑर्डिनेट पे यहाँ पहुंच के ये जीरो आ रहा है, इसका मतलब कि हम इसके बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वेदर दैट इज द स्टेबल पॉइंट, क्योंकि कंडीशन आपकी स्टेबिलिटी की ये है कि dn x upon dx n should be greater than means of v should be greater than 0. तो यहाँ पे दिस इज इक्वल टू जीरो विच इज द केस ऑफ अनप्रेडिक्टेबल, हम कुछ प्रेडिक्ट उस पर नहीं कर सकते हैं. ठीक है, आगे देखते हैं.